first, I'ma say all the words inside my head. I'm fired up and tired of the way that things have been. Oh, ooh, the way that things have been. Oh, Assalamualaikum, सत श्री अकाल एंड नमस्ते जी। मैं अमर जट आप लोगों के साथ चटपटी सी और मीठी मीठी बात लेकर यहाँ पर मौजूद हूँ। और आज मैं अपना व्लॉग स्टार्ट कर रहा हूँ एक नए सिरे से, एक नए दिन के आगाज़ के साथ। मेरा दिन जो है वो हमेशा वो 3-4 बजे के बाद ही होता है, क्योंकि मैं सो कर ही इतनी लेट उठता हूँ। मैं रात को लाइव पर बैठ जाता हूँ और मेरा काफ़ी लेट तक जो है सोना होता है। तो इसलिए मैं अभी जो है वो सोकर उठा, नहाया धोया, नाश्ता किया और मैं अभी बाहर निकला है। मैं आप लोगों को लेकर चलूँगा आज एक छोटे से, वो क्या बोलते हैं उसको, मेले में। जिस तरह इंडिया और पाकिस्तान में मेले चलते हैं, यहाँ पर भी मेले लगते हैं और फेस्टिवल, फेस्टिवल तो नहीं कह सकते यहाँ, मेला 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 दिलों का यहाँ आता है, एक बार आके चला जाता है। इस तरह से यहाँ पर भी मेले जो है वो आते रहते हैं। और आज हम आपको दिखाएँगे एक मेला छोटा सा, काफ़ी दिनों से लगा हुआ था यहाँ पर, लेकिन पता नहीं अभी मैं, मेरे दिमाग से निकल गया था कि वहाँ जाने का, कि आप लोगों को मेरा थक मैं दिखाऊंगा, लेकिन मेरे दिमाग से निकल गया, उस वजह से मैं उस साइड पे जा नहीं पाया। आज मेरे दिमाग में आया कि यार यहाँ पर मेला स्टार्ट हो रहा था उस दिन और सारी दुकानें फिशाने वो सब झूले वूले लग रहे थे, लेकिन मैं उस तरफ गया ही नहीं, मैं आप लोगों को दिखाया नहीं। तो चलिए आज उसी तरफ चलता हूँ। शाम तो हो चुकी है, मतलब हो चुकी है, हो रही है शाम, और अभी निकलते हैं उसी तरफ को जाते हैं। मैं उसी तरफ को जा रहा हूँ और साथ में आपको वहाँ पर जाकर दिखाता हूँ, लेकिन उसके लिए हमें थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा अपना, उसके लिए थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा। हम करेंगे वेट पहले ट्रेन का, और ट्रेन पकड़ेंगे और हम सीधा जाएंगे स्टेशन पे, इनके मेन स्टेशन पे हम जाएंगे ट्रेन पकड़ के, और उसके बाद वहीं से मेन स्टेशन से जो है वो इतना दूर नहीं है, वहाँ से हम बाय वॉक जो है वो थोड़ा सा चल कर जाएँगे। बाय वॉक जो है वो भी हमारे लिए ईजी हो जाएगा, वैसे तो अगर ट्राम पकड़ते हैं वो भी हमारे लिए बहुत बेस्ट रहना था, लेकिन मैं पकड़ूंगा ट्रेन, क्योंकि ट्रेन थोड़ा जो है जल्दी पहुँच जाएगी। और ऊपर से मैंने एक्सरसाइज की हुई है टांगों की रात की, और मेरे टांगों में गिल्ट पड़े हुए हैं, जिसकी वजह से मैं ना तो सही से चल पा रहा हूँ, ना बैठ पा रहा हूँ, ना उठ पा रहा हूँ, और ना कोई काम कर पा रहा हूँ। बड़ा मुश्किल हो रहा है मेरे को ये सब करने के लिए, लेकिन कोई नहीं, ये कुछ दिनों के लिए गिल्ट हैं, ख़त्म हो जाएंगे। कहाँ आएंगे आज? तो अभी हम यहाँ पर थोड़ी देर करेंगे वेट। तो मैं पहुँच चुका हूँ अभी स्टेशन, मैंने मतलब छोटे स्टेशन पे जहाँ से मैंने ट्रेन पकड़नी है, और सीधा मेन स्टेशन पे मुझे जाना है। अभी मेरे ख्याल में कुछ टाइम है, किधर लगा हुआ है टाइम, टाइम वो लगा हुआ है इतनी दूर, और इतनी दूर से टाइम मैं देख नहीं पाऊँगा क्योंकि छोटा सा है, और मैं कोई सूरज, सूरज तो देख सकता हूँ, चाँद भी देख सकता हूँ, लेकिन पता नहीं टाइम इतना छोटा सा मैं क्यों नहीं देख सकता, इतनी बड़ी बड़ी चीज़ें इतनी दूर दूर तक मैं देख पाता हूँ। तो खैर अभी हम यहाँ पर खड़े खड़े थोड़ा वेट करेंगे, यहाँ से आएगी हमारी ट्रेन और इस साइड को जाएगी हमारी ट्रेन, यानी कि इस साइड पे है मेन स्टेशन जहाँ पर मुझे जाना है। तो खैर पकड़ते हैं अभी ट्रेन, जैसे ही आती है कुछ टाइम है अभी आने में, आखिर में 7 मिनट नज़र आ रहे हैं मेरे को अभी यहाँ से, अभी भी काफ़ी दूर है, लेकिन मेरी नज़र इतनी तो तेज़ है कि मैं दूर से टाइम जो है वो देख सकता हूँ और नंबर भी देख सकता हूँ और बता भी सकता हूँ कितना टाइम और कितना, कितने मिनट बाकी हैं। लेकिन हाँ अभी जैसे ट्रेन आती है, ट्रेन पकड़ के हम लोग निकलते हैं मेन स्टेशन की तरफ, वहाँ से बाय वॉक जो है हम वो मेले की तरफ जाएंगे। वहाँ पर जाकर मैं आप लोगों को दिखाऊंगा डिफरेंट से डिफरेंट मेले की जो वो होती हैं चीज़ें, यहाँ का जो मेला है वो कैसा होता है। दिखाया तो मैंने पहले भी बहुत दफ़ा है, लेकिन आप लोग शायद भूल जाते हैं, लेकिन आज दोबारा, आज मैं आप लोगों को फिर दोबारा से दिखाऊँगा और आप लोगों को बताऊँगा साथ साथ में मेले की सारी वीडियो बना के। तो मिलते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद, जब तक हमारी आ नहीं जाती ट्रेन, तो वेट एंड वॉच। तो ले गाइस हमारा जिस ट्रेन का हमें वेट था वो हुई घड़ियां हमारी ख़त्म और ट्रेन हमारी आ चुकी है, ट्रेन यहां पे हमारी पहुंच चुकी है। देख सकते हैं मेरे बैक साइड पे ट्रेन आते हुए, वो दूर से आपको ट्रेन नज़र आ रही होगी, लेकिन या अभी मैं पकड़ूंगा ट्रेन और सीधा जाऊंगा मेन स्टेशन पे, और उसके बाद फिर मैं वहाँ पर जाकर आप लोगों से मिलता हूँ। अभी बहुत सारा शोर होने वाला है और मेरी आवाज़ तो आप लोगों तक पता नहीं पहुँचेगी या नहीं पहुँचेगी, लेकिन मिलते हैं फिर एक छोटे से ब्रेक के बाद। तो ले गाइस मैं पहुंच गया हूं मेन स्टेशन पे और यहां पर पहुंचा हूं। यहां पे बारिश का कुछ, मेरे ख्याल में कुछ ज़्यादा ही ज़ोर था, यहां पे बारिश काफ़ी हुई है और यहां पर देख सकते हैं आप ओवरऑल यहां पर हाई लोग भी बहुत कम हैं और बारिश का भी हल्का हल्का सा वो मुझे फील हो रहा है कि बारिश जो है वो चल रही है। तो अब मैं यहाँ से ट्राम पकड़ूँगा, क्योंकि पैदल तो मैं यहाँ से नहीं जाऊँगा, अगर पैदल मैं चला भी तो मैं आगे जाके थोड़ा सा उतरूँगा, एक स्टॉप आगे जाऊँगा या दो स्टॉप आगे जाके, दो स्टॉप पे वैसे मैं पहुँच जाऊँगा, लेकिन यहाँ अभी मैं वहाँ जाके उतरूँगा और
कोशिश करूँगा वहाँ से फिर पैदल बाई वॉक जो है वन ऑफ पे वापस आऊँ, यानी कि स्टेशन पे वापस आऊँ, और वापसी पे आके ना तो मैं यहाँ से जो है वो ट्रेन पकड़ के घर जाऊँ। लेकिन अभी मैं आप लोगों को जैसे कि बता रहा था कि मैंने आपको वो मेला दिखाना है, हम वहाँ पर चलते हैं, मेला दिखाता हूँ और फिर उसके बाद देखते हैं क्या होता है आगे, तो मिलते हैं फिर एक छोटे से ब्रेक के बाद। तो गाइस ये आ रही है मेरी ट्राम जिस पे मैंने बैठ के जाना है, और उधर से भी ट्राम आ गई और सामने से भी ट्राम आ गई है, तो फिर आप चलते हैं हम इस पे बैठ के अपने मंजिल की ओर। दिखाता हूँ मैं आप लोगों को अपना वो मेला जहाँ पर मैं आप लोगों को ले कर जाना चाहता हूँ, तो मिलते हैं फिर एक छोटे से ब्रेक के बाद। तो ले गाइस जो मेले के लिए मैंने आप लोगों को बोला था हम वहां पर पहुंच चुके हैं, और मैं आपको अभी दिखाने जा रहा हूं, और अपने दिलों को थाम लीजिए, बहुत ही खूबसूरत सा नज़ारा आप लोगों को मिलने वाला है। ये देखिए ये है जी वो छोटा सा मेला जो मैंने आपको बताया था। यहां पर अक्सर ये मेला चलता रहता है, रंगारंग की लाइटिंग, और यहां पर लोग यहां पर बहुत चिल करने के लिए आते हैं। आज बारिश है, बारिश की वजह से लोग बहुत कम है, लेकिन जब धूप हो या फिर इस तरह का कोई सीन हो तो जो है फिर मज़ा आता है यहाँ पर घूमने फिरने का और खाने पीने का। लेकिन अभी ये सब कुछ है यहाँ पर, तो यहाँ पर थोड़ा सा डिफ़िकल्ट होगा यहाँ पर, तो यार मुझे तो बहुत प्यारा लग रहा है। बाकी अभी खोलता है ये सिग्नल, उसके बाद हम लोग जाते हैं अंदर की तरफ, और फिर मैं आप लोगों को जो है वो दिखाता हूँ अंदर से। और मेरे बाल हो जाएंगे ख़राब, क्योंकि मैं जब भी मेरे बाल वैसे कर्लिंग वाले हैं और उनको मैं ड्राई करके थोड़ा सीधा करके तो मैं निकलता हूँ, बारिश की वजह से मुझे लगता है कि इन्होंने फिर वैसे ही कर्लिंग का कर्लिंग हो जाने, कर्लिंग जो है अच्छे लगते हैं लेकिन मैंने मेरे बाल कुछ ज़्यादा ही उलझ जाते हैं, तो इस वजह से मेरे को ड्राई करके सीधा करना पड़ता है। तो अभी हम थोड़ी देर में ही जो है वो निकलेंगे आगे की ओर, हमारा खुल गया है सिग्नल, हम निकलेंगे अंदर की ओर और दिखाएंगे अंदर जाके आप लोगों को। हमें थोड़ा सा भागना पड़ेगा, और ऊपर से मेरी टांगे जो है वो भी बहुत जो है कर रही हैं, टांग दर्द कर रही हैं, तो हम चलते हैं अब यहाँ से अंदर। ये लिखे इन्होंने लिखा है विल कॉमन, यहाँ से हम जाएंगे अंदर, एंट्री लेंगे। ये होगी हमारी एंट्री अंदर की तरफ। मुझे यहाँ पर अपना दूसरा कैमरा लेकर आना चाहिए था जिसके साथ मैं एक व्लॉगिंग करता रहता हूँ नॉर्मल घूमने फिरने की। कमाल के देखे बच्चों के झूले झूले हर चीज़ यहाँ पर, थोड़ा म्यूज़िक का वो होगा सारा सिस्टम, जहाँ से मेरी आवाज़ मुझे लगता है आप लोगों को तक थोड़ा कम पहुँचेगी। तो कमाल के सीन है यहाँ पर, ये देखे झूले झूले देखे झूले कमाल कमाल के लगे हुए, म्यूज़िक यहाँ पर बहुत चल रहा है यहाँ पर, बस डर है कि ये तो गाइज मुझे बस डर है जो ये जो म्यूज़िक चल रहे हैं इनका जो साउंड है उनकी वजह से कॉपीराइट का इशू ना हो। तो ये देखे दोबारा मैंने जैसे कि बताया आप लोगों को यहाँ पर अगर वो चीज़ है क्या नाम है, आज रश जो है वो इसलिए कम है बारिश की वजह से, बारिश हो रही है और मैं बता रहा हूँ कि मेरे बाल भी जो है वो ख़राब हो जाएंगे। ये चॉकलेट लगी हुई है, ये देखें कितनी मज़े मज़े की चॉकलेट, ये देखें हाँ ये तो मेरा फेवरेट है यार, ये सारे के सारे मेरे फेवरेट हैं। ये बच्चों की ट्रेन चल रही है इस साइड पे, इस साइड पे बच्चों की ट्रेन चल रही है, और ये झूला हाय नहीं ये वाला झूला तो मैंने नहीं लिया था, लास्ट टाइम मैंने झूला लिया था लेकिन बहुत मज़ा, हाँ नहीं 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 ये झूला मैंने लिया था ये वाला, लेकिन कमाल का झूला है ये वाला, आउटस्टैंडिंग है, मैंने ये झूला लिया था। यहाँ पर आपको मिलेगी बच्चे देखो जाते हुए मेरे को छेड़ते हुए जा रहे, ये खाने पीने का कुछ यहाँ पर वो लगा हुआ है, ये कार्टून जो है ना सॉफ्ट टॉयज, आई लव सॉफ्ट टॉयज, मेरे को बड़े अच्छे लगते हैं। वो जो सामने बत्तख पड़ी हुई ना वो तो मेरे कुछ ज़्यादा ही फेवरेट है, और यहाँ पर ये देखे हाय कमाल कमाल की चीज़ें आप लोगों को नज़र आएंगी, आउटस्टैंडिंग। मज़े के हैं वैसे अगर देखो तो, ओहो मैं अंदर जाऊंगा नहीं क्योंकि मैं तो अकेला हूँ ना, तो अकेले में मुझे मज़ा नहीं आएगा, कोई साथ में होता है ना थोड़ा कैमरा मेरा पकड़ लेता और भी ज़्यादा मज़ा आता। यहाँ पर देखे वो जो बुलबुले से निकल रहे हैं यहाँ पर, ये बच्चों का सारा वो कश्ती वगैरह वो लगी हुई है, बच्चे भी बड़े भी ले सकते हैं यहाँ पर झूले वगैरह यहाँ पर। ये था मेला जिस पर मैं आपको दिखाना चाह रहा था, तो मेरी तरफ भी मुँह कर ले मुझे भी देख। ये देखे ये ऊपर कितना मज़े का ये बना हुआ है यार, मुझे तो बहुत पसंद आ रहा है वैसे ये बच्चों के लिए।
अगर आप लोग भी यहाँ पर विजिट करना चाहते हैं, आना चाहते हैं, तो फौरन से अपनी टिकटें बुक करवाएं और यहाँ पर आएं और इन्जॉय करें। लेकिन मौसम चेक करके आइएगा, क्योंकि बारिश में तो मज़ा नहीं आता, धूप लगी हो, मौसम अच्छा हो तो मज़ा और भी आता है। ये देखें कितना इन्जॉय करने वाला मौसम है, आउटस्टैंडिंग है। अगर आप लोग देखें तो बहुत ही मज़े का। और मेरे ख़त्म, मुझे नहीं लगता कि आप लोगों तक मेरी आवाज़ जो है वो पहुंची होगी। मैं बहुत ऊंचा बोलने की कोशिश कर रहा हूं कि आप लोगों तक मेरी ये जो वॉइस है ये पहुंच जाए यार। लेकिन पता नहीं आप लोगों तक मेरी वॉइस पहुंच रही है या नहीं पहुँच रही, लेकिन या कमाल का है। जैसे वो ऊपर जहाज़ और बच्चों का, बस यही था। मैं यहाँ से चलता हूँ, मैं किसी और तरफ निकलता हूँ क्योंकि मुझे घर भी जाना है। और बारिश जो है, मौसम बहुत ख़राब है, मौसम बहुत ख़राब है। ये देखे छोटे छोटे यहाँ पर कितने कितने कमाल के यहाँ पर वो लगे हुए हैं। लेकिन मैं यहाँ से निकलता हूँ क्योंकि मुझे घर भी जाना है और कुछ मेरा है कि कुछ खा भी लूँ। और अभी तो शाम हो चुकी है, मेरा कल तो मैं आया नहीं था, कल मेरे दिमाग में नहीं था कि यहाँ पर जो मेला लगा हुआ है वो वहाँ पर भी जाना है। लेकिन यहाँ क्या कर सकते हैं, जो हो गया सो गुज़र गया, सो गुज़र गया। अभी मुझे बाहर निकलना होगा और अपनी देखना होगा कि मुझे अभी कहाँ जाना है, कहाँ नहीं जाना है। थोड़ा बाहर निकलता हूँ, घूमता फिरता हूँ, उसके बाद जो है मैं घर की ओर निकलता हूँ। क्योंकि बाहर निकलने से फ़ायदा है कि आपका मूड फ्रेश हो जाता है, मूड फ्रेश हो जाता है। और यहीं पर आज जो है मैं अपना जो है व्लॉग अभी यहीं से थोड़ा सा दूर जाके अपने व्लॉग को जो है ख़त्म करूँगा। क्योंकि तो गाइज़ ये था मेरा आज का व्लॉग, यहीं पर मैं इसको समाप्त करता हूँ, यहीं पे मैं इसको ख़त्म करता हूँ। सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, बेल का बटन दबाना मत भूलिएगा, और प्लीज़ मेरे साथ बने रहें और मेरे वॉच टाइम जो है वो पूरा करें जल्दी से। और नेक्स्ट आने वाले व्लॉग्स का जो है वो वेट करें, और मैं आपको दिखाऊँगा नए से नई चीज़ें और नई से नई जगह जहाँ पर आप लोग घूमना चाहते हैं, जहाँ मैं आपको घुमाना चाहता हूँ। वो होप्स हो कि आपको हर चीज़ जो है हर चीज़ पसंद आएगी, और आप लोगों को सजेस्ट करूँगा कहाँ पर जाना चाहिए, कहाँ पर नहीं जाना चाहिए। जहाँ पर आप नहीं घूमे हो वहाँ पर मैं आपको गाइड करूँगा, जहाँ पर मैं नहीं घूमा वहाँ पर आप मुझे गाइड करें कमेंट्स करके। तो फिर देखते हैं छोटे से लंबे से ब्रेक के बाद। तो सब्सक्राइब कर दें, बेल का बटन दबा दें, और नेक्स्ट आने वाला व्लॉग ज़रूर देखें। सही है।